अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ये वीडियो बिल्कुल हटके है जो नॉर्मली वीडियोस आजकल बना रहा होता हूँ मैं, क्योंकि खबर कुछ ऐसी थी बड़ी ही पाकिस्तानियों को बहुत झटका लगा और इस खबर का झटका जो इंडियंस हैं उनको भी बहुत ज़्यादा लगा है। सो दिस इज़ द न्यूज़ जो कि आज ट्रेंड कर रही है, मगर इसका बैकग्राउंड क्या है? शुएब और सानिया मिर्ज़ा, लेकिन अब शुएब और सना जावेद। बहुत से इंडियंस, ऑलमोस्ट 40% इंडियंस मेरा चैनल देखते हैं, शायद आप में से बहुत कम को पता हो कि सना जावेद कौन है। आप सो के उठे सुबह पता चला जनाब, अरे आपके शुएब मलिक ने, सानिया के हस्बैंड ने सना जावेद से शादी कर ली, हुई शी। सना जावेद कौन है एक तो आपको ये बताऊंगा, लेकिन इतना बता दूं आपको कि सना जावेद भी मैरिड थी। सना जावेद वॉज हर सेल्फ मैरिड to a very phenomenal known famous Pakistani singer Uzair Jaiswal. Uzair Jaiswal ne Coke studio mein apna naam banaya, then he rose to the fame aur uske baad jo hai there was no looking back. Sana Javed, amazing actress, bahut bada naam hai Pakistan ka, bahut bade drama, last jo maine unka drama dekha tha wo Dunk tha, amazing acting, she is a fabulous actress, but again she was married to Uzair Jaiswal. शुएब मलिक वॉज मैरिड टू सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा को कौन नहीं जानता, आई डोंट थिंक सो मुझे इंडिया में या पाकिस्तान में किसी को बताने की जरूरत भी पड़ेगी कि हु इज सानिया मिर्जा। सो अब शुएब मलिक ने सना से शादी कर ली है। सवाल जो लोगों के जहन में है वो ये है कि क्या अभी भी शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की शादी इंटैक्ट है? व्हेन डिड सना जावेद पार्टेड वेज फ्रॉम उज़ैर जायसवाल? लेकिन नाजरीन ये सब हुआ कब, दिस इज द मेन क्वेश्चन एक्चुअली। अच्छा, अब जो लास्ट उज़ैर जायसवाल और सना जावेद की पिक्चर्स हैं वो आखिरी पिक्चर्स जो इंस्टाग्राम पे देखी गई थी अकॉर्डिंग टू द विटनेसेस वो नवंबर 2023 तक देखी गई थी। उसके बाद से लेके अब तक दोनों ने अपने अपने इंस्टाग्राम पे एक दूसरे के साथ कोई पिक्चर या किसी किस्म की पोस्ट नहीं लगाई थी। उमर वेंट टू उमरा, सना वॉज डूइंग हर परसुइंग हर एक्टिंग करियर, लेकिन दोनों साथ नजर नहीं आते थे। बट लोग ये कह रहे हैं कि नवंबर में ही दे पार्टेड देयर वेज, इनकी डिवोर्स हो चुकी थी, लेकिन किसी ने भी आके फ्रंट फुट पे इसका ऐलान नहीं किया। नो वन अनाउंस्ड एक्सप्लिसिटली, होता ना इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं या ट्विटर पे या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आके बता देते हैं जनाब कि हमने अलहदगी इख्तियार कर ली है, बट नो वन डिड दैट, इसीलिए लोगों की तवज्जो भी नहीं गई थी। अच्छा, इसके अलावा अगर शुएब और सानिया की बात की जाए तो पिछले साल तक, इनफैक्ट 2023 के आगाज में दोनों की सेपरेशन की बहुत रूमर्स गर्दिश कर रही थी कि दोनों ने या तो अलहदगी इख्तियार कर ली है कि मे बी बात डिवोर्स तक चली जाए, और बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो रही थी। बट इन द मीन टाइम, और हाँ, दोनों की तरफ से किसी किस्म की कंफर्मेशन भी नहीं दी जा रही थी, बट इन द मीन टाइम फेब 2023 के अंदर दोनों का एक गेम शो शुरू होता है, द सानिया मिर्जा शो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मिर्जा, द मिर्जा मलिक शो के नाम से ना 2023 फेब में शुरू होता है और काफी अर्सा तक चलता रहता है, शायद अब भी चल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस शो के बाद वो सारी रूमर्स दम तोड़ गई दैट सानिया एंड शुएब आर गोइंग टू पार्ट देयर वेज, ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी तक भी जब शुएब ने शादी किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि सानिया जो है वो अलहदगी इख्तियार कर रही है। अलबत्ता नवंबर 2022 को ये सानिया ने एक पोस्ट किया था कि वेयर डू ब्रोकन हार्ट्स गो, और फिर नीचे उन्होंने आयत कोट की थी टू अल्लाह, कुछ ऐसी पोस्ट सानिया की तरफ से लगाई गई थी इंस्टाग्राम पे, जिससे पता चलता था कि शी इज सैड और शी इज हार्ट ब्रोकन, ये कुछ ऐसा है जो सानिया को बक कर रहा है, तंग कर रहा है। अच्छा, अब सवाल यहां पैदा होता है कि ये शादी जो हुई है शुएब मलिक की और सना जावेद की, अगर आप पिक्चर्स देखें तो चंद पिक्चर्स ही सामने आई हैं, बट दोनों प्रॉपर, एक ग्रूम ड्रेस में है, एक ब्राइडल ड्रेस में है, उरूसी लिबास जिसको कहते हैं, इसका मतलब ये है। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि इट्स नॉट सम रैंडम प्लेस, इट्स अ प्रॉपर मैरिज हॉल जहां पे शादी हो रही है, विच मीन्स के एक सेरेमनी कंडक्ट की गई थी, एक फुल फ्लेज सेरेमनी थी, एंड आई एम श्योर वहां पे जो क्लोज बाय फ्रेंड्स होंगे उनको बुलाया भी गया होगा। सो देवर पीपल नो पीपल देयर हु वर प्रिवी टू द सिचुएशन, हु न्यू दैट दिस इज गोइंग टू हैपन, और वो हुआ फिर क्या? सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये क्यों हुआ, वट मेड दम डू दैट? दोस्तों, अब एक बात जो की जाती है वो ये कि
मे बी बिकॉज ऑफ सना और बिकॉज ऑफ उजैर, ये दोनों की अपनी अपनी कमिटमेंट्स थी, दोनों में से कोई एक तो अनफेथफुल रहा होगा. दिस इज दिस कैन नॉट बी डन. या अनफेथफुल रहा होगा, या ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई एक अनफेथफुल हो, हम फॉरन इनफिडेलिटी पर जंप इन कर जाते हैं. ये भी हो सकता है कि दोनों की ना बनती हो आपस में, दोनों का मिजाज ना मिलता हो और दोनों ने बहुत ही सुलझे हुए तरीके से एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार कर ली हो. क्योंकि हमने ये देखा है इन सच केसेस, अगर बड़े ही डिसेंट तरीके से लोग अलहदा हो गए हैं, इसका मतलब है कि चीज़ों को उन्होंने खुद सेटल कर लिया था. अलबत्त हम ये भी देखते हैं कि बास डिवोर्सेज ऐसी होती हैं जो बहुत लाउड होती हैं. हाल ही में जो लास्ट इमरान अशरफ और उनकी वाइफ की जो डिवोर्स हुई थी, इट वॉज अ लाउड डिवोर्स. उनकी वाइफ ने आके जो है वो शी टुक टू इंस्टाग्राम एंड उन्होंने बहुत चीज़ें लिख दी हुई थी और फिर कुछ इल्ज़ाम भी उन्होंने लगाए थे. इस शादी में अभी तक कोई इल्ज़ाम नहीं लगा. अलबत्त कोई ये अभी तक गेस नहीं कर पा रहा कि व्हाट हैपन टू उजैर. लोग सानिया मिर्जा से सिंपथी का इजहार कर रहे हैं, नोइंग द फैक्ट सानिया इज स्टिल नॉट डिवोर्स्ड. सानिया अभी भी निकाह में हैं. और अगर कुछ ऐसे लोग देख रहे हैं जिनको नहीं पता, अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ अ मैन हैज अ परमिशन टू हैव मोर देन वन वाइफ्स. तो अभी सानिया उनके निकाह में हैं. हाँ, दे आर पीपल हु फील बैड फॉर सानिया. मैं भी अगर कहूँ तो आई फील बैड फॉर सानिया. बट उससे ज्यादा अगर देखा जाए तो फिर जो मेंटल ट्रॉमा में होंगे वो उजैर जसवाल होंगे. बिकॉज सना जावेद डिवोर्स लिए बगैर, उजैर से डिवोर्स लिए बगैर वो शैब से शादी नहीं कर सकती थी. तो फिर डेफिनेटली दोनों के दरमियान डिवोर्स हुआ है. एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट सानिया मिर्जा. माई सिंपथीज, माई हार्ट गोज फॉर हर. अगेन मुझे ये नहीं पता कि इफ आई एम सेइंग माई सिंपथीज, मैं ये भी नहीं कह सकता बीइंग अ मुस्लिम के शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट. मे बी शी वॉज अवेयर ऑफ इट, मे बी यू नो, मे बी शी वॉजंट. मे बी उन्होंने इजाजत दी हो, मे बी ना दी हो. सो इट्स स्टिल अ स्पेकुलेशन थिंग. बट एज फार एज उजैर जसवाल इज कंसर्न, तो उनका दिल टूटा होगा मे बी. या हो सकता है वो भी खुश होंगे, अच्छा यार जान छोटी. यू नेवर नो, क्योंकि शादी के अंदर क्या कुछ हो रहा होता है, कौन किससे खुश है, कौन किससे खुश नहीं है, हमें नहीं पता होता. बट दिस इज टॉक ऑफ द टाउन. इस पर कोई मजीद भी अपडेट आएगी तो मैं आपको बहुत जल्द इसके बारे में बताऊंगा. अपना बहुत ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह के पास.